हल्द्वानी शहर के तेवा चौराहे और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव से पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि चौराहे चौड़ीकरण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यातायात और जाम की समस्या से शहर के लोगों और पर्यटकों को निजात मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पर बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं, तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं, कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा वृहद स्केल पर। तो जो हमारे लॉस ऑफ ट्रीज है उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे और ज़्यादा संख्या में कंपनसेट करेंगे, ताकि सर्वाइवल रेट अगर 80-90% है तो हम 120 के अराउंड अपना टारगेट लेकर के चलेंगे कि इतना वृक्षारोपण किया जाए।